एवरीवन मैं आयुष अग्निहोत्री आप सभी का स्वागत करता हूं महेंद्रास के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर फटाफट फड़ से कनेक्ट हो जाइए लिंक को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ फ्रेंड के साथ ताकि वो भी कनेक्ट हो सके बिल्कुल वन प्लस वन आप सभी को पता है वन प्लस वन सभी पर्सन को एक पर्सन के साथ शेयर करना है हम लोग संडे में आ चुके हैं नाइन्थ ऑफ जून बिल्कुल संडे मॉर्निंग हो चुकी है फटाफट फड़ कनेक्ट हो जाओ लिंक को शेयर करना शुरू कर दो ठीक है तो ये सफर हम शुरू करेंगे जून के सेकेंड संडे जून का सेकेंड संडे है जो नाइन्थ ऑफ जून को फाइनली हो रहा है है ना तो बल... चलिए हम लोग नाइन्थ ऑफ जून का सेशन फाइनली शुरू करते हैं जैसा कि आप सभी को पता है एवरी संडे हम वीकली करंट अफेयर्स को डिस्कस करते हैं आपके साथ 51 प्लस क्वेश्चन आपके लिए लेकर आते हैं तो उन्हीं क्वेश्चंस के साथ हम आगे बढ़ने वाले हैं ठीक है चलो फटाफट फड़ कनेक्ट हो गए गुड मॉर्निंग वेरी गुड मॉर्निंग भाई सभी को वेरी गुड मॉर्निंग फटाफट कनेक्ट हो जाओ बिल्कुल रोशनी मिश्रा श्रुति सरोज फटाफट आ जाए अर्पिता सिंह बिल्कुल भारत माली जी फटाफट फड़ कनेक्ट हो जाएंगे आप सभी वेरी गुड मॉर्निंग वेरी गुड मॉर्निंग विकास विकास कौशल जी वेरी गुड जय श्री राधे जय श्री राम वेरी गुड मॉर्निंग फटाफट आ जाओ भाई ठीक है ठीक है चलो चलिए देखते हैं आज का वर्ड जो निकलकर आ रहा है डियर वो वर्ड क्या रहने वाला है वो वर्ड है आपका एक्शन ठीक है एक्शन एक्शन यानी कर्मा अगर बात करें एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स कई बार मैंने बोला है डियर कर्मों की ध्वनि शब्दों से ऊंची है होती है एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स कर्मों की ध्वनि शब्दों से ऊंची होती है जो एक्शन वर्ड आता है ये सिंगल वर्ड नहीं होता है डियर जो भी एक्ट बहुत सारे काम देखिए आपके दिमाग में बहुत सारी चीजें आती है मुझे ये करना है मुझे एक्सरसाइज करनी है मुझे मेडिटेशन करना है मुझे योगा करना है मुझे पढ़ाई भी करनी है है ना बहुत सारी चीजें हमारे दिमाग में आती हैं लेकिन क्या वो सब कुछ हम कर पाते हैं नहीं तो हमें पहले तो अपनी क्षमताओं को देखना होगा अपनी कैपेसिटी को देखना होगा फिर अपने लिए डिसाइड करना होगा कि क्या जरूरी है जो जरूरी है वही करना है क्या हमारे लिए प्रेफरेंस हम कैसे देते हैं चीजों को ठीक है तो पहले फिर प्रेफरेंस देंगे तो जब बहुत सारी चीजें जो आती है ना वो होते हैं एक्ट और वो एक्ट जब तक मोशन में नहीं आएंगे तब तक वो एक्शन नहीं कहलाएगा तो अपने एक्ट को मोशन में अगर लाना है तो उसके पीछे थोड़ा सा काम करना होगा सोचना होगा देखना होगा कि यहां पर क्या ऐसा है जो हमें करना है और हम कर सकते हैं हमारी कैपेसिटी में है तो उसके साथ आगे बढ़ना चाहिए तो चलिए इसी इसी व्यू के साथ इसी पॉजिटिव वाइब के साथ इसी संडे थॉट के साथ हम लोग शुरू करते हैं आज के सेशन को एक्शन स्पीक्स Louder than words कर्मों की ध्वनि शब्दों से ऊंची होती है शुरू करते हैं यह सफर और यह सफर शुरू होता है सेकेंड ऑफ जून से यह एट ऑफ जून तक का यह सफर है जो इस वीकली सेशन में हमने बहुत सारी न्यूज बहुत सारी चीजें देखी उन्हीं को हम क्वेश्चन के फॉर्म में डिस्कस करेंगे है ना एक राइट right क्वेश्चन पे आपको अपने आप को प्लस वन मार्क्स देना है और रॉन्ग क्वेश्चन में रॉन्ग आंसर पे आपको अपने आप को जीरो मार्क्स देना है कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है जो भी आप मार्क्स यहां पर अपने बताएंगे मेन कमेंट बॉक्स में सेशन के बाद में आपको मेन कमेंट बॉक्स में अपने मार्क्स बताने होंगे जो मार्क्स आप बताएंगे वो मार्क्स हम आपके साथ सेशन में लाइव सेशन में फाइनली डिस्कस करेंगे ठीक है चलो फटाफट रेडी हो सभी क्वेश्चन के लिए बोलो फटाफट बोलो कमेंट बॉक्स में फटाफट से यास करो जय हो करो फटाफट फड़ से शुरू करें चलिए शुरू करते हैं चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ दैट इज दैट इज दैट इज तो पहले फर्स्ट से 25 नंबर क्वेश्चन तक चलेंगे फिर 26 से 51 नंबर क्वेश्चन तक चलेंगे फिर देन जो बाकी एक्स्ट्रा क्वेश्चन है उन तक भी हम चलेंगे अच्छा डियर मैम आपको बता दूं आज हम जो क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं यहां पर 62 टू प्लस टू यानी इक्वल सिक्सटी क्वेश्चन करने वाले हैं स्टैटिक में ऑनली ऑन टू क्वेश्चन ही मैंने एड किए हैं आज है ना चलो तो शुरू करते हैं चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ फिर आपका रहेगा 52 नंबर क्वेश्चन से आपका 62 रहेगा फिर इसके बाद दो स्टैटिक के क्वेश्चन 63 एंड 64 तो कुछ इस तरह से रहने वाली हैं चीजें ठीक है चले चलो फर्स्ट क्वेश्चन आ चुका है ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट स्टूडेंट ट्वेंटी फोर ऑब्जर्व ऑन बहुत ही सिंपल सा डे बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है ड्रिया वैश्विक अभिभावक दिवस दो कब मनाया गया फर्स्ट ऑफ जून सेकेंड जून थर्ड जून फोर्थ ऑफ जून टाइम भी स्टार्ट हो चुका है तो आंसर करना शुरू कर दो कि क्या राइट आंसर जाने वाला है और आप यहां पर क्या आंसर करने वाले हो ठीक है तो फटाफट फड़ से करो करो भाई फटाफट आंसर करना शुरू कर फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है आपका राइट आंसर यहां पर निकलकर आ रहा है, भाई? है आपका राइट हो जाएगा फर्स्ट ऑफ जून क्लियर बहुत ही सिंपल नेक्स्ट क्वेश्चन आरबीआई के अनुसार वित्त वर्ष दो हजार के लिए भारत के लिए अनुमानित वास्तविक जीडीपी वृद्धि क्या है भाई बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो डेटा पॉइंट और फैक्ट पर है क्योंकि आपने इस वीक देखा होगा बहुत सारी चीजें निकलकर आई बिल्कुल जून का अगर हम बात करें दो दिन केवल हुए थे सेकंड ऑफ जून को संडे था है ना तो पूरा का पूरा जून का हम फर्स्ट वीक ही इसे माने लेकिन हाँ संडे एक संडे आ चुका है सेकंड संडे है ये जून मंथ का क्योंकि नाइन्थ ऑफ जून ये पहला संडे आपका सेकेंड ऑफ जून को था और नेक्स्ट संडे आपका नाइन्थ ऑफ जून को आ रहा है तो इस वजह से आपको आ, यहां पर फर्स्ट ऑफ और सेकेंड जून के भी कुछ क्वेश्चन मिलेंगे है ना जीएसटी कलेक्शन भी देखने को मिलेगा बहुत सारे डेटा पॉइंट और फैक्ट आपको मिलेंगे तो चलिए बिल्कुल सेकंड नंबर क्वेश्चन पर आ चुके हैं आपको ध्यान से करने हैं बहुत सारे परसेंटेज बहुत सारे डेटा पॉइंट और फैक्ट रहेंगे बिल्कुल देखिए तब तक आंसर आ चुके हैं यहां पर सभी आंसर कर रहे हैं वेरी गुड बहुत फास्ट आंसर आ रहे हैं वेरी गुड यो वेरी गुड फटाफट फड़ करो सभी को करने हैं आंसर ठीक है कोई भी बदमाशी नहीं करनी है सभी आंसर करते चलो फटाफट फड़। आरबीआई के अनुसार वित्त वर्ष दो हजार के लिए भारत के लिए अनुमानित वास्तविक जीडीपी वृद्धि क्या है सिक्स परसेंट सेवन एट नाइन तो राइट आंसर क्या हो जाएगा सेवन परसेंट आपके साथ डिटेल में ये न्यूज डिस्कस हुई थी है ना सेवन परसेंट आपका राइट हो जाएगा ठीक है आरबीआई की बात हो रही है बिल्कुल हमने डिस्कस किया था चलो नेक्स्ट चलते हैं आरबीआई की रिपोर्ट के अनुसार पिछले वित्त वर्ष में भारत के लिए वास्तविक जीडीपी वृद्धि क्या है देखो यहां पर क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है लास्ट क्वेश्चन क्या था 24-25 के लिए अनुमानित यानी ये एफ वाई टू फाइव का इन्होंने पूछा है कि कितना प्रोजेक्ट कर रहे हैं प्रोजेक्टेड जीडीपी कितना है ठीक है जो प्रेजेंट फाइनेंशियल ईयर चल रहा है उसके लिए तो 7% परसेंट बोला गया है ठीक है ये लास्ट अगर देखें तो आरबीआई की रिपोर्ट के अनुसार पिछले वित्त वर्ष में भारत के लिए वास्तविक जीडीपी वृद्धि क्या थी तो वास्तविक जीडीपी मतलब अभी फाइनल नहीं आया है लेकिन हाँ बहुत ही जल्द हमें एक्चुअल डेटा भी पता चल जाएगा तो एफ वाई टू फोर का रियल जीडीपी कितना रहा या कितना रहेगा है ना उसी के आसपास जाएगा जितना बोला है बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं होंगे तो ये पूछा गया है भारत के लिए वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर क्या है तो टाइम स्टार्ट है फटाफट आंसर कर दो ये क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है थर्ड है ठीक है अब नंबर नहीं डालेंगे इसी तरह से हम चलते चलेंगे कंटिन्यू ठीक है करो करो फटाफट करो आंसर करो चले आंसर की तरफ करो पहले आप करो सभी करो सभी करो आंसर तो राइट right आंसर आ जाएगा सेवन पॉइंट सिक्स परसेंट दिया सेवन पॉइंट सिक्स परसेंट ठीक है चले चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैक्सिको देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया बिल्कुल आपके साथ डिस्कस हुआ था हु हैज बीन इलेक्टेड एज द मैक्सिको कंट्री फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट मैक्सिको देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है आपको बताना है क्लेरा ब्रुगेडा है रोशियो नेहल गैरशिया है बियट्रेस गेंट्रेज मुलर है या फिर क्लाउरिया शीनबाम है बताएंगे फटाफट आंसर करेंगे बहुत अच्छा क्वेश्चन है जरूर हमें कहीं ना कहीं ये देखने को मिलेगा ठीक है चलिए बताएं चलते हैं आंसर की तरफ फटाफट फड़, थोड़ा फास्ट करते चलेंगे भाई को आंसर्स को चलेंगे राइट आंसर की तरफ राइट आंसर है आपका क्लाउडिया ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा क्लाउडिया ठीक है ऑप्शन डी इज द राइट मैक्सिको ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन व्हेन इज हिंदी जर्नलिज्म डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर हर साल हिंदी पत्रकारिता जा दिवस मनाया जाता है थर्टीथ ऑफ मे है ट्वेंटी नाइन्थ में ट्वेंटी एथ में या फिर ट्वेंटी में फटाफट आंसर करोगे वेन इज इंडिया एवरी ईयर हर साल हिंदी पत्रकारिता दिवस कब मनाया जाता है टाइम स्टार्ट आंसर करना शुरू कर देंगे आप सभी हम लोग चलेंगे आंसर की तरफ देखते हैं राइट आंसर क्या होने वाला है तो राइट आंसर यहां पर निकल कर आ रहा है थर्टीथ में ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा थर्टीथ में ठीक है चलो नेक्स्ट इज किस मंत्रालय ने हाल ही में मास कम्युनिकेशन इंटर्नशिप प्रोग्राम शुरू किया है, बहुत अच्छा है। सिंपल है।, आप से कर लोगे। है।, आपकी है, है या फिर मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति है आंसर करो फटाफट फ़ड़ टाइम स्टार्ट है आप सभी का किस मंत्रालय ने हाल ही में मास कम्युनिकेशन इंटर्नशिप प्रोग्राम शुरू किया है बताएं फटाफट से बिना किसी देरी के चलते हैं आंसर की तरफ राइट right आंसर दिया है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति मास कम्युनिकेशन पर इंटर्नशिप प्रोग्राम शुरू किया है तो ये मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति नेक्स्ट इज वेयर वाज़ द अंटार्कटिक ट्रीटी कंसल्टेटिव मीटिंग हेल्ड अंटार्कटिक संधि परामर्श बैठक कहां आयोजित की गई थी फटाफट आंसर करना है आप सभी को चेन्नई है मुंबई है अहमदाबाद है कोच्ची है फटाफट आंसर करना है भाई बताएं क्या आंसर होने वाला है वेयर वॉज द अंटार्कटिक ट्रीटी कंसल्टेटिव मीटिंग हेल्थ टाइम स्टार्ट है आप सभी के आंसर करने शुरू कर देंगे चेन्नई मुंबई अहमदाबाद या फिर कोची ओके वेरी गुड ये राइट right आंसर निकल कर आ रहा है यहां पर कोच्ची ऑप्शन डी आपका राइट right हो जाएगा कोची ठीक है ऑप्शन डी आपका यहां पर राइट हो जाएगा चले चल नेक्स्ट इज किस देश में बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास रेड फ्लैग 24 आयोजित किया जा रहा है इन विच कंट्री इज द मल्टीनेशनल एक्सरसाइज रेड फ्लैग 24 बीइंग ऑर्गेनाइज्ड किस देश में बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास रेड फ्लैग 24 आयोजित किया जा रहा है इंडिया यूएस जापान फ्रांस आंसर करेंगे फटाफट से आप ठीक है बताएं क्या आंसर होने वाला है चलेंगे आंसर की तरफ राइट right आंसर आपका निकलकर आ रहा है यूएस ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा यूएस ठीक है रेड फ्लैग ट्वेंटी फोर कहां आयोजित किया जा रहा है यूएस में नेक्स्ट क्वेश्चन वित्त वर्ष दो हजार तेईस चौबीस में भारतीय रिजर्व बैंक की आय साल दर साल कितनी वृद्धि हुई है भाई ईयर ऑन ईयर अगर हम बात करें तो आरबीआई की जो

बिल्कुल बिल्कुल सभी कनेक्ट हो चुके हैं चाहे हम लक्ष्मी प्रसन्ना की बात करें सरोज अग्रवाल जी की बात करें या फिर हम बात करें ठीक है हम विकास जी की बात करें हम विकास कौशल जी की बात करें हम रोशनी की बात करें हम ज्योति कुमारी की बात करें है ना अनुश्रिता की बात करें या फिर हम सप्तमी पॉल जी की बात करें ठीक है फटाफट से आंसर करते चलेंगे आप सभी ठीक है चाहे हम श्रेया राज की बात करें शीनू की बात करें फटाफट आंसर करेंगे सभी पार्टिसिपेंट्स करेंगे अर्पिता सिंह जी की बात करें है ना चलो चलते हैं आंसर की तरफ राइट आंसर निकल कर आ रहा है सेवनटीन परसेंट ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा सेवनटीन परसेंट ठीक है चलते हैं नेक्स्ट इस वित्तीय वर्ष दो हजार के लिए आरबीआई द्वारा सरकार को हस्तांतरित अधिशेष की राशि क्या है भाई वट वॉज द अमाउंट ऑफ सरप्लस ट्रांसफर्ड बाय द आरबीआई टू द गवर्नमेंट फॉर द फाइनेंशियल ईयर ट्वेंटी थ्री एंड ट्वेंटी फोर वित्तीय तेईस चौबीस के लिए आरबीआई द्वारा सरकार को हस्तांतरित अधिशेष की राशि कितनी है वन पॉइंट फाइव लैख करोड़ है वन पॉइंट एट लैख करोड़ टू पॉइंट वन वन लैख करोड़ है टू पॉइंट फाइव लैख करोड़ है फटाफट आप सभी बताएंगे आंसर करेंगे ठीक है कमलेश जी भी आंसर कर रही है वेरी गुड जी आप चलो चलते हैं आंसर की तरफ राइट आंसर आपका निकल कर आ रहा है यहां पर टू लाख करोड़ ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा टू लाख करोड़ अच्छा अभी आपने देखा कितने परसेंट ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हुई है टेन परसेंट ए सेवेंटीन परसेंट सॉरी सेवनटीन परसेंट ठीक है और फाइनली टोटल सरप्लस कितना दिया गया है टू पॉइंट वन वन लैख करोड़ ठीक है आरबीआई द्वारा सरकार को हस्तांतरित अधिशेष की राशि कितनी थी टू पॉइंट वन वन लैख करो क्लियर डन है इतना चलो वेरी गुड अगर इतना डन है फटाफट सेशन को लाइक करो जिन लोगों ने नहीं किया है फटाफट से लाइक करो और वन प्लस वन यानी एक पर्सन के साथ शेयर भी करो फटाफट से शेयर कर दो अगर नहीं किया है अभी तक जो भी आपके ग्रुप हैं टेलीग्राम पे व्हाट्सएप पे या कहीं भी आप कनेक्टेड हैं तो फटाफट से लिंक को शेयर कर दें ठीक है चलिए चलते हैं नेक्स्ट जो पी ने साइबर सुरक्षा जागरूकता के लिए साइबर पुलिस के साथ सहयोग किया है तो साइबर पुलिस जो है ये कहां की है भाई गुरुग्राम की है नोएडा की है गाजियाबाद की है या फिर जयपुर की है विद साइबर पुलिस फॉर साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस फटाफट आंसर आंसर करो बताओ क्या आंसर होने वाला है 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 ठीक टाइम स्टार्ट आप सभी का आंसर करना शुरू कर दो है ना बहुत ही इंटरेस्टिंग है कहीं ना कहीं जरूर मिलेगा आपके साथ हमने डिस्कस भी किया था इसको तो राइट आंसर यहां पर निकल कर आ रहा है गुरुग्राम ठीक है गुरुग्राम ऑप्शन ए इज द राइट नेक्स्ट इज अल्पसंख्यक समुदाय हेलन मैरी रॉबर्ट्स किस देश की सेना में पहली महिला ब्रिगेडियर बनी है Minority community, Minority community, Helen, Mary, country, तो इराक है अफगानिस्तान पाकिस्तान बांग्लादेश बहुत ही सिंपल डियर अगर हम यहां देखें अफगानिस्तान पाकिस्तान और बांग्लादेश तीन देश, देश है जो हमारे बिल्कुल पड़ोसी देश हैं अफगानिस्तान की बात करें तो पॉक ऑक्यूपाइड कश्मीर को ये टच करता है लद्दाख का वन ठीक है तो लद्दाख के साथ अफगानिस्तान के साथ हमारा बॉर्डर शेयर होता है और लद्दाख का जो पार्ट है फाइनली वो 106 किलोमीटर का फाइनली एरिया जो है वो टच करता है पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान भी हमारे साथ सीमा साझा करता है और फाइनली ये पांच राज्यों के साथ सीमा साझा करता है और इसका कोडवर्ड जो निकल कर आता है वो क्या होता है भाई आर जे एल पी जी आर जे एल पीजी मतलब आर फॉर राजस्थान जे फॉर जम्मू कश्मीर एल फॉर लद्दाख पी फॉर पंजाब जी फॉर गुजरात बांग्लादेश की बात करें तो ये भी पांच राज्यों के साथ सीमा साझा करता है और इसका कोडवर्ड है डब्ल्यू एम ए टी एम

बहुत ही सिंपल सा है और राइट आंसर क्या है फटाफट फड़ बता दो टाइम स्टार्ट है आप सभी का आंसर करते चलो फटाफट फड़ से ठीक है वेरी गुड बहुत अच्छे ठीक है चलेंगे आंसर की तरफ राइट आंसर इज आपका फोर्थ ऑफ जून ऑप्शन बी आपका राइट होगा फोर्थ ऑफ जून नेक्स्ट इज प्रतिनिधि क्रिकेट से संन्यास की घोषणा किसने की है भाई हु हुउंस रिटायरमेंट फ्रॉम रिप्रेजेंटेटिव क्रिकेट के राहुल जी हैं दिनेश कार्तिक जी हैं विराट कोहली जी हैं रोहित शर्मा जी हैं बहुत ही सिंपल बिल्कुल ब्लर हो रहा है अभी सही हो जाएगा लो सही हो गया ठीक है चलो चलते हैं बताओ फटाफट आंसर करो टाइम स्टार्ट है आपका चले तो राइट आंसर निकल कर आ रहा है आपका दिनेश कार्तिक ऑप्शन भी आपका राइट हो जाएगा दिनेश कार्तिक नेक्स्ट इज अंतरराष्ट्रीय सेक्स वर्कर्स दिवस प्रतिवर्स कब मनाया जाता है इंटरनेशनल सेक्स वर्कर्स डे इज एनुअली ऑब्जर्व ऑन तो ये राइट आंसर यहां पर निकल कर आएगा आपका सेकंड ऑफ जून सेकंड ऑफ जून ऑप्शन सी आपका राइट होगा ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन वर्ड बाय सेलिब्रेटेड ऑन डीर ये भी डे बिल्कुल इंपॉर्टेंट है वन लाइनर आपका बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए आपको तो ये डे का बनाया जाता है फटाफट फ़ड़ से बता दो आपके साथ डिस्कस भी हुआ था है ना और सेशन बिल्कुल लाइक करते चलेंगे जिन लोगों ने अभी तक लाइक नहीं किया है फटाफट लाइक करो फटाफट फ़ड़ लाइक करो <laughs> चलेंगे राइट आंसर आईडियल थर्ड ऑफ जून ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा थर्ड ऑफ जून नेक्स्ट क्वेश्चन इज वट वॉज द ग्रॉस जीएसटी रेवेन्यू फॉर द मंथ ऑफ द मे दिस ईयर भाई बहुत ही आपका फेवरेट क्वेश्चन आ गया और ये तो आपको पूरी तरह से ध्यान होगा तो बताइए फटाफट फड़ कितना रहा है है ना हम तब तक आपके लिए सारे मंथ जो हैं उनको कनेक्ट करते हैं भैया बताना देखना कहीं गलत तो नहीं हुआ हमसे ठीक है अप्रैल एंड मे ठीक है मे तक का जीएसटी कलेक्शन आ गया और सारे के सारे ये ईयर टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर के जनवरी में अगर हम बात करें डयर तो जनवरी में और सारे अमाउंट आपके लाख करोड़ में है ठीक है जनवरी में अगर बात करें तो वन पॉइंट सेवन टू लैख करोड़ लैख करोड़ मार्च में वन पॉइंट सेवन एट लैख करोड़ अप्रैल में टू पॉइंट वन जीरो लैख करोड़ मे में वन पॉइंट सेवन थ्री लैख करोड़ ठीक है ये पूरा आपका जीएसटी कलेक्शन रहा है जनवरी से लेकर मई तक का ठीक है वन पॉइंट सेवन टू लैक करो वन सही है बता देना भाई कहीं गलत तो नहीं हुआ अच्छा चलो मे का फिर आंसर आ गया तो मे का आंसर क्या हो गया 1.73 लाख सेवन करो ठीक है चलिए चलते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट मई में जीएसटी संग्रह के लिए ईयर ऑन ईयर वृद्धि कितने प्रतिशत हुई भाई ईयर ऑन ईयर ग्रोथ कितना हुआ है यह भी पता होना चाहिए बताओ यानी मई दो हजार में जो जीएसटी कलेक्शन था उससे अब मई दो चौबीस में हम पहुंच गए तो कितने परसेंट का हमने ग्रोथ यहां पर पाया है ठीक है ये आपको बताना है तो अगर देखें तो यहां पर कितने परसेंट का ग्रोथ आया है टेन परसेंट का ठीक है राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इस वित्तीय वर्ष दो हजार में भारत के लिए अनुमानित वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर क्या है भाई देखो एफ के लिए पूछा गया है रियल जीडीपी कितनी रहने वाली है रियल जीडीपी वृद्धि दर क्या है टाइम स्टार्ट है आंसर करो फटाफट से आपके साथ डिस्कस हुआ था दिया ये न्यूज़ भी वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत के लिए अनुमानित वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर क्या है व्हाट इज द एस्टीमेटेड रियल जीडीपी ग्रोथ रेट फॉर इंडिया इन द फाइनेंशियल ईयर 2023 एंड 24 बताएं बताएं आंसर करें फटाफट 6.5% है 7% 8.2 या फिर 9% चलेंगे हम लोग आंसर की तरफ देखते हैं राइट आंसर क्या हो रहा है राइट आंसर निकल कर आ रहा है बाईस तेईस में भारत का जीडीपी वृद्धि क्या थी देखो ये एक्चुअल है क्योंकि ये फाइनेंशियल बहुत पहले ही कंप्लीट हो चुका है एफ बाई टू थ्री सॉरी टू थ्री होगा टू फोर नहीं अरे रे रे। एफआई टू थ्री में भारत की जीडीपी वृद्धि दर क्या थी बताएंगे टाइम स्टार्ट है आंसर करें सिक्स सेवन सेवन पॉइंट फाइव या फिर एट परसेंट फटाफट फटा आंसर करो भाई चलेंगे आंसर की तरफ चले देखो भाई अगर सेशन में क्वेश्चन में डेली आप आ रहे हैं तो बिल्कुल आसान है आपके लिए क्वेश्चन और अगर डेली में कहीं ना कहीं मिस हुआ है तो बिल्कुल यहां पे गलत होने के चांसेस बढ़ जाएंगे है ना चले चलो राइट आंसर है सेवन परसेंट ठीक है डियर ऑप्शन भी आपका राइट हो जाएगा सेवन परसेंट नेक्स्ट क्वेश्चन विश्व दो हजार तेईस में किस क्षेत्र में 9.9 पॉइंट की उल्लेखनीय वृद्धि देखने को मिली है भाई एग्रीकल्चर में सर्विसेज में मैन्युफैक्चरिंग में या फिर आईटी सेक्टर में यानी इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में विथ सेक्टर सिग्निफिकेंट ग्रोथ ऑफ 9.9 परसेंट इन द फाइनेंशियल ईयर टू एंड ट्वेंटी यानी एफ में फाइनल किस सेक्टर में हमें नाइन का ग्रोथ देखने को मिला है तो ये डियर मिला है हमें किसमें मैन्युफैक्चरिंग में ऑप्शन सी राइट हो जाएगा मैन्युफैक्चरिंग

एलपीजी रिफॉर्म्स हम लेकर आए थे क्योंकि हमारी इकोनॉमी इससे पहले जो थी वो कैसी थी क्लोज इकोनॉमी थी कैसी इकोनॉमी थी क्लोज इकोनॉमी थी और हमें डॉलर की बहुत जरूरत पड़ती थी और जब क्लोज इकोनॉमी है तो डॉलर हमारे पास आएगा नहीं और जब डॉलर आएगा नहीं तो हम क्रीड ऑयल खरीदेंगे कैसे और क्रीड ऑयल खरीदेंगे तो डॉलर का पेमेंट कहां से करेंगे है ना तो हमारे पास डॉलर की कमी की बहुत फॉरेक्स रिजर्व जो है उसकी कमी बहुत ज्यादा हो रही थी तो हमने क्या किया Uh, कुछ गोल्ड एज अ गिरवी के रूप में नाइनटीन में हमने वहां पर रख दिया था ठीक है लेकिन उसके बाद फिर हमने 1991 खत्म होते होते 1992 के स्टार्टिंग तक हमने सारा का सारा जो गिरवी रखा हुआ गोल्ड था अपना उसको हमने विद uh, इंटरेस्ट के साथ क्या कर दिया था पे कर दिया था फिर इसके बाद में हमने क्या किया अगेन हमने गोल्ड रखा जो रिजर्व वहां पर वो हमने अपने फॉरेक्स को मैनेज करने के लिए अपने फॉरन रिजर्व को मैनेज करने के लिए रखा था किसको फॉरेन रिजर्व को मैनेज करने के लिए क्योंकि डियर होता क्या है हमारी कंट्री से एक्सपोर्ट जो हुआ वहां से हमारी कंट्री से डॉलर आउट हुआ जैसे हमने सपोज करो एक्सपोर्ट किया 400 डॉलर का तो 400 डॉलर हमारी कंट्री से क्या हुआ एक्सपोर्ट जब हुआ तो हमारी कंट्री से 400 डॉलर क्या हुआ इन हुआ 400 डॉलर इन हुआ क्योंकि एक्सपोर्ट हुआ हम है ना गुड्स गई सर्विसेज गई है ना गुड्स एंड सर्विसेज जाएंगी लेकिन इन क्या होगा डॉलर इन होगा कितना डॉलर आया फोर हंड्रेड डॉलर हमारी कंट्री में इन हुआ लेकिन जो हमारा इम्पोर्ट है ये तो एक्सपोर्ट की बात हो गई अब हम बात करें इम्पोर्ट की तो इम्पोर्ट हुआ तो गुड्स एंड सर्विसेज हमारी कंट्री में इन हुई ठीक है अब जब इन हुई इंपोर्ट हुआ तो इंपोर्ट भाई कितने का हुआ इंपोर्ट डियर हुआ है हमारी हमारी कंट्री से डॉलर आउट होगा कितना डॉलर आउट हुआ भाई हमारा जो है वो एक हजार डॉलर का इंपोर्ट हुआ तो आप खुद देख पा रहे हैं कि हमारी कंट्री से गया एक हजार डॉलर और आया ओनली फोर हंड्रेड डॉलर तो क्या हुआ यहां पर डिफरेंस आया इसी डिफरेंस को हम कैड बोलते हैं करंट अकाउंट डेफिसिट कितना डिफरेंस आया 600 डॉलर का डिफरेंस आया इसी 600 डॉलर को डियर हम बैलेंस करते हैं किससे बीओपी से बैलेंस ऑफ पेमेंट से, से. यानी जितना हमारी कंट्री से डॉलर आउट हुआ है उतना ही हमें इन कराना है अब आप बोलेंगे सर क्या करेंगे हम क्या किसी देश पे डाका डालेंगे वहां से लेकर आएंगे डॉलर नहीं भाई 400 डॉलर ही आया ना हमारे एक्सपोर्ट से तो हम एफ से फंड लेकर आएंगे हम एफडीआई के थ्रू डॉलर लेकर आएंगे लेकिन एफडीआई तो तभी लाएंगे ना जब एलपीजी रिफॉर्म्स होंगे लिबराइजेशन प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन हम तो डर कर बैठे हैं कि कहीं फॉरिन कंट्री को हमने एंट्री दे दी और फाइनली वो कहीं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह पहले जैसे हुआ था उसने कब्जा कर लिया था वैसा ही कहीं ना हो तो हमें लिबरलाइज करना पड़ेगा अपनी इकोनॉमी को तो हमें एफडीआई के थ्रू हम लेकर आएंगे हम एफ के थ्रू लेकर आएंगे हम फॉरेन कंट्रीज से बोरो borrow करेंगे बोरोइंग लेकर आएंगे तो यहां से हम कंट्री में इन कराएंगे और अगर फिर भी हमें कहीं कोई दिक्कत होती है तो हमने जो फॉरेन रिजर्व रखे हुए हैं फॉरेन गोल्ड के फॉर्म में फाइनली उसको गोल्ड को थोड़ा सा हम क्या कर देंगे उधर की तरफ खिसका देंगे और डॉलर में कन्वर्ट कर लेंगे और तो हमारा डॉलर रिजर्व क्या हो जाएगा मेंटेन हो जाएगा समझ पा रहे होंगे आई होप आप तो ये दो तरीके मैंने आपको बताए पहला तो हमने गिरवी के रूप में रखा था फिर हमने उसे वापस कर लिया था क्योंकि बहुत ज्यादा इंटरनेशनल मीडिया में ये चीज आने लगी थी कि भारत ने अपना गोल्ड जो है गिरवी वहां पे रख दिया है एंड देन रिजर्व की मैंने बात बताई रिजर्व मैनेज करने के लिए फिर इसके बाद में क्या हुआ जब बियर कंट्री में थोड़ी अनसर्टेनिटी रहती है राजनीतिक अनिश्चितता रहती है जैसे क्या होता है हम लोग जो भी गोल्ड या ज्वेलरी होती है ज्वेलरी होती है वो क्या हम सारी की सारी घर पर रखते हैं अपने नहीं कहीं ना कहीं बैंक में लॉकर में रखी होती है है ना थोड़ा बहुत घर पे रखते हैं और थोड़ा बहुत हम लॉकर में रखते हैं क्यों लॉकर में रखते हैं कहीं ना कुछ ऐसा ना हो है ना क्योंकि फ्यूचर किसने देखा है पता नहीं कब क्या हो जाए तो सिक्योरिटी के बिहाफ पे हम अपनी ज्वेलरी जो होती है घर पे फाइनली कहीं ना कहीं बैंक के लॉकर में रखते हैं तो ऐसे ही जब कंट्री थी अब आप कहेंगे सर हमारी कंट्री क्या सेफ नहीं है सेफ है लेकिन अनसर्टेनिटी का जब माहौल होता है फाइनली तो हमने जो हमारा अभी रिजर्व है डियर अगर हम गोल्ड रिजर्व के मामले में बात करें तो हम किस प्लेस पर हैं तो डियर आप बिल्कुल आई होप इतना समझ पा रहे होंगे अगर हम बात करें ऑल ओवर तो हम नाइन्थ नंबर पे हैं है ना अगर ऑल ओवर हम बात करें रिजर्व की तो हम किस नंबर पे हैं नाइन्थ नंबर पे हैं और फोर पॉइंट एट टू टू पॉइंट वन जीरो टन का जो हमारा रिजर्व है वो पूरा हमारे कंट्री में अभी नहीं है फोर के आसपास है और इसके अलावा जो है वो अदर रखा हुआ है लॉकर के रूप में हमने रखा है और उसे हम फी के रूप में क्या करते हैं देते हैं जैसे हम बैंकों में लॉकर के रूप में अपने फंड्स को रखते हैं अपनी कीमती चीजों को ज्वेलरी को रखते हैं ठीक उसी तरह से ये हमने यूके में रखा हुआ था अनसर्टेनिटी की वजह से ऐसा किया जाता है देश में अस्थिरता का माहौल फाइनली रहता है कभी तो हम इसे जो है अदर कंट्रीज में सिक्योरिटी के बिहाफ पे रखते हैं बैंक ऑफ जापान और बैंक ऑफ इंग्लैंड में भी हमने रखा था अभी हम बात करें लास्ट ईयर टू ईयर्स में हमारा जो रिजर्व uh, है गोल्ड रिजर्व वो 200 हंड्रेड मीट्रिक टन क्या हुआ है इंक्रीज हुआ है 200 हंड्रेड मीट्रिक टन क्या हुआ है हमने गेन किया है लास्ट टू ईयर्स में ये सिक्स हंड्रेड के आसपास था और फाइनली अब जीरो मीट्रिक टन हुआ है तो आए पी ए डिस्कशन आपने बहुत ही अच्छी तरह से क्लियर हुआ होगा आप समझे होंगे इस चीज को राइट आंसर आपका पता ही है हंड्रेड टन हो जाएगा आपका ठीक है तो चलिए हम लोग चलते हैं इसी के साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ क्लियर है इतना चल डन वेरी गुड फटाफट लाइक कर दो जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया सेशन को फटाफट से लाइक कर दो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आपका व्हाट इज द टोटल गोल्ड हेल्ड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एज ऑफ मार्च थर्टी फर्स्ट मार्च ट्वेंटी फोर इकतीस मार्च दो हजार चौबीस तक भारतीय रिजर्व बैंक के पास कुल कितना सोना है भाई है ना तो यहां पर देखो ये क्वेश्चन अभी हमने डिस्कस ही किया आपके साथ और बिल्कुल आगे आई पॉइंट पहले ही डिस्कस हो चुका है तो राइट right आंसर क्या हो जाएगा 822.10 टू टू पॉइंट वन जीरो टन ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा राइट right हो जाएगा ठीक है ऑप्शन सी इज द राइट नाउ 31 मार्च 2024 तक भारतीय रिजर्व के पास कुल कितना सोना है तो 822.10 मेट्रिक टन ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज दुबई में प्रदर्शित कृष्ण कन्हाई की नवीनतम प्रदर्शनी का शीर्षक क्या है बताना है आपको व्हाट इज द टाइटल ऑफ कृष्ण कन्हाईज लेटेस्ट एग्जीबिशन शो हेल्ड इन दुबई ऑप्शन है आपका द डिवाइन कृष्णा द गोल्डन कृष्णा कृष्णार्स आर्टिसरी या फिर कृष्णाज वर्ड फटाफट आंसर करोगे टाइम स्टार्ट एडियर कृष्ण कन्हाई ये आर्टिस्ट है फाइनली इनका नेम है टाइटल क्या दिया है दुबई में प्रदर्शित कृष्ण की प्रदर्शनी का शीर्षक क्या रहा है फटाफट आपको बताना है द द डिवाइन कृष्णा गोल्डन कृष्णा कृष्णाज आर्टिस्ट्री या फिर कृष्णाज वर्ड बताओ फटाफट फड़ करो आंसर करो फटाफट फड़ से बिना किसी देरी के फटाफट फड़ करते चलो चलते हैं हम लोग आंसर की तरफ देखते हैं राइट आंसर क्या हो रहा है राइट आंसर जो आपका निकल कर आ रहा है द गोल्डन कृष्णा ऑप्शन बी आपका राइट होगा द गोल्डन कृष्णा ठीक है चलो नेक्स्ट इज इस वर्ष अंतरराष्ट्रीय योगा दिवस का विषय क्या रहा रहेगा आप सभी को पता है बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है वट इज द थीम फॉर द इंटरनेशनल डे ऑफ योगा सेलिब्रेशन दिस ईयर फटाफट बताओ योगा फॉर पीस एंड हॉर्मनी योगा फॉर हेल्थ एंड वेलबींग योगा फॉर वुमेन एम्पावरमेंट या फिर योगा फॉर मेंटल हेल्थ फटाफट आंसर करो टाइम स्टार्ट है बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है श्रीलंका में अभी हाल ही में मनाना शुरू किया गया इसको अदर बहुत सारा ऑल ओवर वर्ल्ड प्रिपरेशन में है, रहता है इस बार दसवें नंबर का योगा डे हम मनाने वाले हैं ट्वेंटी फर्स्ट ऑफ जून को तो यहां पर थीम क्या है भाई योगा फॉर मुझे नहीं लगता कोई पर्सन ऐसा होगा जिसे इस क्वेश्चन का आंसर ना पता हो चलिए चलते हैं नेक्स्ट तो डियर इसी के साथ ही हमारे 25 क्वेश्चन क्या होते हैं कंप्लीट होते हैं हमारा फर्स्ट स्टेशन आ चुका है फर्स्ट स्टॉपेज आ चुका है अब हम चलेंगे नेक्स्ट स्टेशन की तरफ ठीक है तो अब हमारे ट्वेंटी सिक्स क्वेश्चन की तरफ हम सफर को शुरू करते हैं तो चलो फटाफट बिल्कुल मार्क्स काउंट करते चलना जिन्होंने सेशन लाइक नहीं किया है लाइक कर दो फटाफट से दोस्तों फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करना वन प्लस वन का जो कॉन्सेप्ट है उसको फॉलो करते चलो एक पर्सन के साथ जरूर सेशन को शेयर करो चलो चलते हैं नेक्स्ट तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ट्वेंटी सिक्स नंबर क्वेश्चन आ रहा है भारत द्वारा क्यूबा को भेजी गई सक्रिय फार्मास्यूटिकल सामग्री की खेप का वजन कितना था हाउ मच डिज द कॉन्साइनमेंट ऑफ एक्टिव फार्मास्यूटिकल इनग्रीडियंट्स वेट दैट इंडिया सेंट टू क्यूबा ओके ब्लर हो रहा है अभी सही हो जाएगा बिल्कुल देखो अब सही हो गया चलो फटाफट आंसर करो टाइम स्टार्ट है बताओ फिफ्टी टन सेवेंटी टन नाइनटी या फिर हंड्रेड टन फटाफट आंसर करोगे आप सभी बताओगे क्या आंसर होने वाला है तो रियल चलते हैं आंसर की तरफ देखते हैं राइट आंसर क्या हो रहा है बिल्कुल जब ऐसे क्वेश्चन होते हैं आपने अगर डिस्कस किया है डेली सेशन में सुना है तो आप आंसर सही कर पाओगे अगर गेस करोगे तो आप क्या राउंड फिगर में होगा उसी को गेस करते फिफ्टी या हंड्रेड को गेस करते लेकिन राइट आंसर यहां पर है है ठीक नेक्स्ट क्वेश्चन इज बिल्कुल 27 नंबर क्वेश्चंस आप कुछ स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो हमारी न्यूज रही थी फाइनली उस पर बेस्ड क्वेश्चंस आपके निकल कर आ रहे हैं अमित पनघल ने किस भार वर्ग में पेरिस ओलंपिक के लिए कोटा हासिल किया ऑप्शन है आपका 49 किलोग्राम फिफ्टी वन फिफ्टी फोर या फिर फटाफट पड़ बताओ क्या आंसर होने वाला है. टाइम स्टार्ट है आप सभी का आपके साथ साथी वन किलोग्राम भार वर्ग में अमित पनघल ने पेरिस ओलंपिक के लिए कोटा हासिल किया है डियर ये जो पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है ये कहां पर खेला गया चाइना में कहां पर खेला गया था चाइना चलिए नेक्स्ट हाल ही में नॉर्वे सदरंज टूर्नामेंट में किस भारतीय ग्रैंड मास्टर ने दुनिया के दूसरे नंबर के खिलाड़ी फैबियानो कारुआना को हराया है विच इंडियन ग्रैंड मास्टर रिसेंटली डिफीटेड द वर्ल्ड नंबर टू फैबियानो कारुआना इन द नॉर्वे चेस टूर्नामेंट टाइम स्टार्ट है फटाफट आंसर करना शुरू करेंगे हाल ही में विश्वनाथन आनंद है विद्यति गुजराती है आर प्रज्ञानंदा है या फिर पी हरि कृष्णा है फटाफट आंसर करेंगे आप सभी टाइम स्टार्ट एडियो ठीक है विश्वनाथन आनंद विद्यति गुजराती आर प्रग्ञानंदा पी हरी हरिकृष्णा चलेंगे आंसर की तरफ देखते हैं राइट आंसर क्या होने वाला है चले चलिए राइट आंसर निकल कर आ रहा है आर प्रज्ञानंदा ऑप्शन सी आपका राइट right हो जाएगा आर प्रज्ञानंदा ऑप्शन सी इज द राइट नाउ ठीक है चले वेरी गुड तो आर प्रज्ञानंदा राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन इज हुन द गोल्ड मेडल इन द मेन्स जेवलिन थ्रो एट द ताइवान एथलेटिक्स ओपन टू राइन ट्वेंटी फोर ताइवान एथलेटिक्स ओपन 2024 में पुरुषों की भाला फेक स्पर्धा में स्वर्ण पदक किसने जीता है ऑप्शन आपके दिए हुए हैं नित्या रामाराज छाओ शून चेंग या फिर डीपी मनु या फिर चाओ हॉंग हंग फटाफट आंसर करोगे टाइम स्टार्ट है आप सभी का हु वॉन द गोल्ड मेडल इन द मेन्स इन मेन्स जेवलिन थ्रो एट द ताइवान एथलेटिक्स ओपन ट्वेंटी फटाफट करो आंसर करो क्या आंसर होने वाला है फटाफट से आपको बताना है फटाफट आंसर करते चलेंगे ओके वेरी गुड वेरी गुड मार्क्स जरूर काउंट करते चलिएगा आंसर करते चलिएगा राइट आंसर निकल कर आ रहा है डीपी मनु ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा राइट right हो जाएगा डीपी मनु ठीक है ऑप्शन सी आपका यहां पर राइट right हो जाएगा ठीक है चले चल चलते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है पुरुषों की भाला फेक स्पर्धा में डीपी मनु का सर्वश्रेष्ठ प्रयास क्या था वर्ट वाज द डीपी मनुज बेस्ट एफर्ट इन द मेन्स जेवलिन थ्रो इवेंट 78.32 एट पॉइंट थ्री टू मीटर्स

या फिर छाओ चू चिंग ठीक है फटाफट आंसर करेंगे बताएंगे टाइम स्टार्ट है आप सभी का आंसर करना शुरू कर दो फटाफट फड़ से बिना किसी देरी के ठीक है बताओ बताओ भाई क्या होने वाला है राइट आंसर ताइवान एथलेटिक्स ओपन की बात हो रही है महिलाओं की हंड्रेड मीटर बाधा दौड़ में रजत पदक किसने जीता है तो राइट आंसर है डियर आपका नित्या रामराज ऑप्शन ए आपका राइट है नित्या रामराज ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बॉन इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला एकल का किताब किसने जीता है भाई हु वॉन द वुमेन्स सिंगल टाइटल एट द बॉन इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट ऑप्शन है आपके वांग पी यू तनवी शर्मा है या फिर साइना नेहवाल है पी सिंधु है फटाफट आंसर करना है आप सभी को बिना किसी देरी के चलिए बहुत अच्छे राइट right आंसर निकल कर क्या आएगा भाई राइट right आंसर आपका हो जाएगा तनवीर शर्मा ऑप्शन भी आपका राइट right हो जाएगा तनवीर शर्मा ठीक है चलो चलते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है महिला एकल किताब की विजेता तन्वी शर्मा की उम्र कितनी है भाई हाउ ओल्ड इज हाउ ओल्ड इज तनवी शर्मा द विनर ऑफ द वोमेन सिंगल टाइटल 18 ईयर ओल्ड 21 ईयर ओल्ड 15 ईयर ओल्ड या फिर 25 ईयर ओल्ड फटाफट बताना है आप सभी को आंसर करना शुरू कर दें फटाफट फड़ से बिना किसी देरी के चलेंगे हम लोग आंसर की तरफ लेकिन उससे पहले आपको आंसर करना होगा ठीक है तो बताओ फटाफट फड़ से बताओ क्या आंसर होने वाला है चलिए हम लोग चलते हैं फटाफट आंसर की तरफ राइट आंसर आपका निकल कर आ रहा है फिफ्टीन ईयर ओल्ड ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा फिफ्टीन ईयर ओल्ड नेक्स्ट क्वेश्चन इज नॉर्वे सतरंज दो के तीसरे दौर में प्रज्ञानंदा ने किसको हराया है भाई हु डिड डिफीट इन द थर्ड राउंड ऑफ द नॉर्वे चेस्ट ट्वेंटी फोर नॉर्वे शतरंज 2024 के तीसरे दौर में प्रज्ञानंद ने किसे हराया uh, विषय आनंद है मैग्नस कार्लसन है हिकारू नाकारुआ है नाकामुआ है ठीक है इसके बाद फैबियाना करुआना है फटाफट -फड़ बताएंगे टाइम स्टार्टेड ऑल अब बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है आपके साथ डिटेल में डिस्कस भी हुआ था नॉर्वे नौ... सत्र नॉर्वे हजार 2024 के तीसरे दौर में बात करें प्रज्ञानंदा जी की बात करें इन्होंने किसको हराया है तो इन्होंने मैग्नस कार्लसन को हराया है नंबर वन खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन को हराया है ठीक है ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा मैग्नस कार्लसन चलो नेक्स्ट इज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनकी सौवीं जन्म जयंती पर श्रद्धांजलि दी है भाई कौन है जिनको सौवीं जन्म जयंती पर श्रद्धांजलि दी है फटाफट -फड़ बताएंगे रामचंद्रन है जे जयलता है कैलेंगर करुणानिधि जी हैं, सी एन आना दोराई हैं बताओ फटाफट -फड़ आंसर करो सभी आंसर करते चलेंगे भाई सभी लोग आंसर करेंगे फटाफट ओके वेरी गुड बहुत अच्छे चले चलते हैं आंसर की तरफ राइट आंसर आपका आ रहा है और करुणा निधि ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा और करुणा निधि नेक्स्ट क्वेश्चन इज एनएचआई ने पूरे देश में टोल टैक्स में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी की है वॉट परसेंटेज हैज एनएचए टोल टैक्स अक्रॉस द कंट्री टाइम स्टार्ट है आंसर करना शुरू करेंगे टू परसेंट थ्री परसेंट फाइव परसेंट या फिर सेवन परसेंट बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है भाई फटाफट आंसर करो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की बात हो रही है राइट right आंसर कितना जाएगा एनएचआई ने पूरे देश में टोल टैक्स में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी की है तो राइट इज फाइव परसेंट ऑप्शन सी आपका राइट right हो जाएगा फाइव परसेंट नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है मई में यूपीआई लेनदेन का कुल मूल्य क्या था भाई वॉट वॉज द टोटल वैल्यू ऑफ यूपीआई ट्रांजेक्शन इनमें बहुत ध्यान से क्वेश्चन का आंसर करना टोटल वैल्यू पूछी है यूपीआई ट्रांजेक्शन की ना कि टोटल ट्रांजेक्शन पूछे हैं ठीक है मई में यूपीआई लेनदेन का कुल मूल्य क्या था राइट आंसर तो right है ट्वेंटी पॉइंट फोर फाइव ट्रिलियन रुपी गलत हुआ ना बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स का गलत हुआ होगा दिया, बिल्कुल अगर मैं बात करूं तो आप समझ रहे होंगे फोर्टीन पॉइंट जीरो फोर बिलियन जो है ट्रांजेक्शन क्रॉस हुए हैं लेकिन अगर वैल्यू की बात करें तो यहां वैल्यू पूछी गई है तभी रूपी में है तो राइट आंसर ट्वेंटी ट्रिलियन रुपीज होगा ऑप्शन भी आपका राइट right, ठीक है चलो मात्रा के मामले में बात करें अप्रैल की तुलना में मई यूपीआई लेनदेन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है भाई व्हाट परसेंटेज डिड यूपीआई ट्रांजैक्शन इंक्रीज इन मई कंपेयर टू अप्रैल इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम के टर्म्स में बात हो रही है भाई वॉल्यूम के टर्म्स में तो देखो यहां पर ये जो ग्रोथ है ये मंथ ऑन मंथ ग्रोथ पूछी गई है यानी बात करें अप्रैल 2024 में जो वॉल्यूम था उससे मई 2024 में कितने परसेंट का हमें इंक्रीमेंट देखने को इंक्रीज मिला है कितने परसेंट का इंक्रीज देखने को मिला है वो परसेंटेज में हमें बताना है वही यहां पर पूछा गया तो बहुत ही सिंपल है राइट आंसर क्या है यहां पे तो ये राइट आंसर है आपका सिक्स परसेंट ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा कितने परसेंट का इंक्रीमेंट देखने को मिला है सिक्स परसेंट का ठीक है तो ये मात्रा के मामले की बात हो रही है वॉल्यूम टर्म ऑफ वॉल्यूम वॉल्यूम के टर्म्स में ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा संगठन है आईसीसी टी ट्वेंटी क्रिकेट विश्व कप दो हजार चौबीस की लाइव कमेंट्री प्रसारित करेगा विच ऑर्गेनाइजेशन विल ब्रॉडकास्ट लाइव कमेंट्री ऑफ द आईसीसी टी ट्वेंटी क्रिकेट वर्ल्ड कप री फोर फटाफट आंसर करना है टाइम स्टार्ट है आप सभी का आंसर करना शुरू कर दें। दूरदर्शन आकाशवाणी या फिर स्टार स्पोर्ट्स फटाफट आंसर करोगे भाई सभी बताओ फटाफट से बताओ क्या आंसर होने वाला है तो चलिए हम लोग चलते हैं फटाफट से आंसर की तरफ देखते हैं राइट आंसर क्या हो रहा है तो राइट आंसर यहां पर निकल कर आ रहा है आकाशवाणी ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा आकाशवाणी ठीक है शरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज आईसीसी टी ट्वेंटी क्रिकेट वर्ल्ड कप दो हजार चौबीस कहां आयोजित किया जा रहा है बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है डियर वेयर इज द आईसीसी टी ट्वेंटी क्रिकेट वर्ल्ड कप ट्राइन ट्वेंटी फोर बींग हेल्थ फटाफट बताएंगे इंडिया ऑस्ट्रेलिया यूएस एंड वेस्ट इंडीज या फिर इंग्लैंड फटाफट आंसर करेंगे आप सभी चलते हम लोग आंसर की तरफ देखते हैं राइट आंसर क्या है तो डियर राइट आंसर निकल कर आएगा यूएस एंड वेस्ट इंडीज मुझे नहीं लगता कोई पर्सन ऐसा होगा जिसको नहीं पता होगा ठीक है तो आईसीसी वर्ल्ड कप कहां पर हो रहा है फाइनली यूएस एंड वेस्ट इंडीज नेक्स्ट क्वेश्चन इज आतंकवाद निरोध पर संयुक्त कार्य समूह की छठी बैठक के श्री के डी जाधव देवल ने भारत के किस मंत्रालय का प्रतिनिधित्व किया है विच मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया

ओके चलिए वेरी गुड चलते फटाफट से आंसर की तरफ राइट right आंसर आपका निकल कर क्या आने वाला है तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर आपका राइट right आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आपका राइट right हो जाएगा ठीक है एक्सटर्नल अफेयर देखिए बहुत ही सिंपल सा है अगर आ, आप गेस भी कर सकते हो बहुत ही सिंपल सा ठीक है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर नेक्स्ट क्वेश्चन इज आतंकवाद निरोध पर संयुक्त तो कार्य समूह की छठी बैठक जिनमें जापानी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व तो किसने किया है फटाफट बताना है हु लीड द जापानीज डेलीगेशन एट द सिक्स मीटिंग ऑफ द ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप ऑन काउंटर टेररिज्म मिस्टर के डी देवल जी हैं अम्बेसडर हिरंग की मीनामी है या फिर मिस्टर सिंजो आबे जी हैं या प्राइम मिनिस्टर योशीहाइडा शुगा हैं फटाफट पड़ बताएंगे टाइम स्टार्ट है आप सभी का आतंकवाद निरोध पर संयुक्त कार्य समूह की छठी बैठक में जापानी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व तो किसने किया वो लीड द जैपनीज डेलीगेशन एट द सिक्स मीटिंग ऑफ द जॉइंट वर्किंग ग्रुप ऑन काउंटर टेररिज्म फटाफट पड़ा बताएं पड़ा राइट आंसर की तरफ हम लोग चलते हैं देखते हैं राइट आंसर क्या है तो राइट आंसर निकल कर आ रहा है एम्बेसडोर हिरियो मिनामी एम्बेसडर ऑफ हिडियो की मीनामी ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा हिडियो की मोनामी ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन भाई व्हाट इज द रिकॉर्डेड रेनफॉल इन बेंगलुरु सिटी ऑन द डे द रिकॉर्ड वाज ब्रोकन जिस दिन रिकॉर्ड तोड़ा गया उस दिन बेंगलुरु शहर में कितनी बारिश दर्ज की गई ऑप्शन है आपके वन वन जीरो पॉइंट थ्री मिलीमीटर वन ट्रिपल वन पॉइंट वन मिलीमीटर वन थ्री थ्री पॉइंट जीरो मिलीमीटर वन एट नाइन पॉइंट वन मिलीमीटर फटाफट बताएंगे आंसर करेंगे व्हाट वॉज द रिकॉर्ड रेनफॉल इन बेंगलुरु सिटी ऑन द डे द रिकॉर्ड वॉज ब्रोकन फटाफट हुई थी कहीं ना कहीं पार्ट बन जाते हैं मिलीमीटर ऑप्शन बी राइट हो जाएगा ट्रिपल वन पॉइंट वन मिलीमीटर क्लियर है चलो चलते नेक्स्ट इज राष्ट्रपति चुनाव में क्लाउडिया सीन बाम का निकटतम प्रतिद्वंदी कौन था हु वॉज क्लाउडिया नियरेस्ट राइवल इन द प्रेडेंशियल इलेक्शन एंड्रेज मैनुअल लोपेज ऑबरेडो जोटिल गैलवेज है या फिलिप कैलेड्रॉन है या फिर एनरिक पेना नेटो है फटाफट -फड़ बताएंगे आप सभी क्या आंसर होने वाला है प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में कौन इनके नियरस्ट राइवल थे फटाफट -फड़ बताएं टाइम स्टार्ट है आप सभी का आंसर करें फटाफट -फड़ से है ना बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हो रहा है आंसर करें फटाफट -फड़ बताएं राइट आंसर यह निकल कर आ रहा है ऑप्शन बी आपका जोजिटल बी आपका राइट हो जाएगा जोजिटल बी इज द राइट ठीक है चलो नेक्स्ट इज मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार के अनुसार लोकसभा चुनाव में कितने मतदाताओं ने भाग लिया हाउ मेनी वोटर्स प्रिंसिप पार्टिसिपेटेड इन द लोकसभा पोल्स एज स्टेटेड बाय चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार फाइव करोड़ 61.8 करोड़ 64.2 करोड़ या फिर 68.7 करोड़ फटाफट फड़ बताएं टाइम स्टार्ट है आप सभी का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपके साथ डिटेल में डिस्कस हुआ था आंसर करो भाई फटाफट फड़ से चले चले आंसर की तरफ चलिए चलते हैं राइट आंसर आपका हो जाएगा सिक्सटी करोड़ ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा सिक्सटी करोड़ ठीक है चलिए नेक्स्ट इज नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छा है भाई हाउ मैनी वोमेन वोटर्स पार्टिसिपेटेड इन द लोकसभा पोल्स अकॉर्डिंग टू द चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त तो राजीव कुमार के अनुसार लोकसभा चुनाव में म, कितनी महिला मतदाताओं ने भाग लिया है ऑप्शन है आपके ट्वेंटी एट करोड़ थर्टी वन पॉइंट करोड़ या फिर थर्टी करोड़ फटाफट आंसर करें टाइम स्टार्ट है आप सभी का मुख्य चुनाव आयुक्त तो राजीव कुमार के अनुसार लोकसभा चुनाव में कितनी महिला मतदाताओं ने भाग लिया है आंसर करेंगे फटाफट तो राइट आंसर यहां पर थर्टी वन पॉइंट टू करोड़ ऑप्शन राइट हो जाएगा कहीं ना कहीं हम देखें तो फिफ्टी परसेंट से थोड़ा सा कम है क्योंकि टोटल वोटर्स की संख्या जो थी वो कितना थी सिक्सटी फोर पॉइंट टू ठीक है तो थर्टी टू पॉइंट वन होगा हाफ थर्टी टू पॉइंट वन होगा हाफ ठीक है क्योंकि सिक्सटी फोर फोर पॉइंट टू करोड़ था ठीक है तो यहाँ पर 31.1, 32.1 करोड़ होगा, भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार 19 मई 2024 तक प्रचलन में मौजूदा दो हजार रुपए के बैंक नोटों का कुल मूल्य कितना है भाई आपके साथ बिल्कुल ये रिपोर्ट आई थी और डिस्कस भी हुआ था बताएं एज ऑफ मे नाइनटीनो नाइन ट्वेंटी वट इज द टोटल वैल्यू ऑफ 2000 थाउजेंड बैंक नोट्स इन सर्कुलेशन अकॉर्डिंग टू द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फटाफट बताएंगे आंसर करना शुरू करेंगे थ्री पॉइंट फाइव सिक्स लाख करोड़ है उन्नीस हजार करोड़ है सात हजार सात सौ पचपन करोड़ है या सतानवे हजार आठ सौ बीस करोड़ है फटाफट आंसर करोगे टाइम स्टार्ट हो चुका है आंसर करना शुरू कर दो हमें इंतजार है आपके आंसर का चलेंगे आंसर की तरफ राइट आंसर आपका निकल कर आ रहा है ऑप्शन सी आपका राइट है ठीक चले चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज साल पहले उनकी वापसी की घोषणा के बाद 19 मई 2024 तक 2000 के कितने प्रतिशत नोट बैंक सिस्टम में वापस आ गए थे भाई बताए वापसी की घोषणा की गई थी ना और डेट भी दी गई थी अभी भी क्या आप नोट्स वापस कर सकते हो जी हाँ अगर आपके पास कहीं 2000 का नोट है तो बैंकों में नहीं अब आरबीआई के द्वारा जो निर्गत Uh, आपके जो डिसाइड किए गए हैं फाइनली वहां पर जाकर आप उनको दे सकते हैं वहां से वो नोट्स आप वापस ले सकते हैं ठीक है तो व्हाट परसेंटेज ऑफ 2000 बैंक नोट हैड रिटर्न टू द सिस्टम 19th मे 2024 सिंस द अनाउंसड ऑफ देयर विथड्रॉ अर्लियर बताएं 89.5% 97.82% 75.6% या फिर 63.4% फटाफट करो आंसर करो चलेंगे हम लोग आंसर की तरफ चले चलो फटाफट बता बताओ राइट so आंसर right निकल कर आ रहा है आपका नाइनटी सेवन पॉइंट एट टू परसेंट ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा ठीक है ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज विश्व पर्यावरण दिवस 2024 का विषय क्या रहा है भाई बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन व्हाट इज द थीम फॉर वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे टू नाइन ट्वेंटी विश्व पर्यावरण दिवस 2024 का विषय क्या रहा है लैंड रेस्टोरेशन एंड ड्रॉट रेजिलेंस बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन या फिर बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन या फिर सस्टेनेबल एनर्जी फॉर ऑल बताएंगे फटाफट फड़ से बताएंगे आंसर करेंगे ठीक है टाइम स्टार्ट है आप सभी का। तो है की, अगर हम बात करें, थीम क्या रही है ऑप्शन ए राइट हो जाएगा लैंड रेस्टोरेशन डिसन एंड ड्रॉट रेजिलेंस ऑप्शन ए आपका राइट right हो जाएगा ऑप्शन ए आपका राइट right ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज वर्ल्ड विच ऑर्गेनाइजेशन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द कोडिनेशन ऑफ वर्ल्ड एनवायरमेंट डे ग्लोबली भाई विश्व पर्यावरण दिवस के वैश्विक समन्वय के लिए कौन सा संगठन जिम्मेदार है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड डब्ल्यू या फिर ग्रीन पीस या फिर यूनाइटेड एनवायरमेंट प्रोग्राम यू एन ईपी या फिर ऑर्गेनाइजेशन फटाफट आंसर करेंगे टाइम स्टार्ट है आप सभी का फटाफट आंसर करो भाई चलते हैं हम लोग आंसर की तरफ राइट आंसर है आपका यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा यू एन ई पी ठीक है चले चल चलते हैं नेक्स नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है भाई किस संगठन ने इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय मिट्टी के साथ मिलकर सुरक्षित विश्वसनीय और नैतिक कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर राष्ट्रीय कार्यशाला की मेजबानी की है ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं आप सभी को बताने डब्ल्यू एच ओ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है यूनेस्को है UNDP है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम है या फिर वर्ल्ड बैंक है विच ऑर्गेनाइजेशन कोलाबोरेटेड विद द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी देखो शॉर्ट में मिट्टी बोल देते हैं ठीक है आप सभी को पता होना चाहिए मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टू होस्ट द नेशनल वर्कशॉप ऑन सेफ ट्रस्टेड एंड एथिकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस राइट आंसर क्या होने वाला है बताना है आपको फटाफट से चलते हैं हम लोग आंसर की तरफ राइट right आंसर है आपका यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑप्शन बी आपका राइट होगा यूनेस्को ठीक है क्लियर है इतना सभी को चल। इसी के के साथ साथ ही 51 question हमने आपके साथ complete कर लिए भी हम हो गए तो 51 question का जो part था वो हुआ कंप्लीट अब हम चलते हैं जो एडिशनल फिफ्टी वन के बाद हमारे क्वेश्चन थे उनकी तरफ व्हाट वाज़ द स्लोगन फॉर वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे डी फोर ऑब्जर्व इन नेपाल नेपाल में मनाए जाने वाले विश्व पर्यावरण दिवस 2024 का नारा क्या था बिल्कुल यह स्लोगन पूछा गया है हमारा पड़ोसी देश है नेपाल तो अवर लैंड इज अवर फ्यूचर सेव वाटर सेव लाइफ ग्रीन अर्थ क्लीन अर्थ एंड प्रोटेक्टिंग अवर प्लेनेट बताएं टाइम स्टार्ट है आपका नेपाल ने वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे मनाया तो किस नारे के साथ मनाया किस स्लोगन के साथ मनाया चलेंगे आंसर आंसर की तरफ राइट right है लैंड इज फ्यूचर नेपाल भारत के के पांच राज्यों साथ सीमा साझा करता है कोड वर्ड होता है US2, US2 मतलब यूपी और उत्तराखंड बी फॉर बिहार एस फॉर सिक्किम डब्ल्यू फॉर वेस्ट बंगाल ये पांच राज्य हैं जो नेपाल के साथ हमारी सीमा को साझा करते हैं राजधानी काठमांडू है आप सभी को पता है ठीक है चल चलते नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई विच इस वर्ष में भारतीय संस्थानों में से किस भारतीय संस्थान ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है तो भाई कौन सा है आई एस सी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी डेली है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद है आई एम अहमदाबाद है आई एम आई आई टी डेली आई आई टी बॉम्बे या फिर आई आई एस सी यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस है फटाफट बताओ आंसर करो टाइम स्टार्ट है आप इस के आंसर की देखते हैं आंसर क्या है। तो राइट आंसर निकल कर आ रहा है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आई बॉम्बे आई बॉम्बे आपका राइट आंसर है बहुत ही सिंपल सा ठीक है चलो बिल्कुल रैंक पूछी गई है व्हाट रैंक डिड आईआईटी बॉम्बे अचीव इन द क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग दिस भाई इस वर्ष यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में आई बॉम्बे ने कौन सी रैंक हासिल की है लास्ट ईयर बात करें डियर तो लास्ट ईयर जो रैंक रही थी वो वन रैंक थी लास्ट ईयर आई बॉम्बे की ठीक है लेकिन इस ईयर रैंक क्या रही है तो इस ईयर जो रैंक है वो डियर है राइट आंसर वन वन एटी ठीक है एक सौ अठारवी रैंक रही है देसीआर ठीक है थर्टी वन इकतीस स्थानों का हमने सुधार किया है और हम एक सौ अठारवे नंबर पर आ गए ठीक है आई बॉम्बे नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है भाई देखो थोड़ा सा क्वेश्चन तो अच्छा है पहले समझ लो क्या पूछा गया है, भारत और कतर के बीच पर हुई है। ठीक है तो अध्यक्षता को चेयर किसने किया इंडिया की तरफ से किसने किया है और आ, कतर की तरफ से किसने किया है इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड कतर आमिर शेख तमीम बिन हमद अल थानी जी ने या फिर सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट इकोनॉमिक अफेयर सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मोहम्मद बिन हसन अली अल मलकी या फिर आपके इंडियन मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस निर्मला सीतारामन एंड कतरी फाइनेंस अल शरीफ अल इमारी या फिर इंडियन मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर जयशंकर एंड कतरी मिनिस्टर ऑफ फॉरन अफेयर्स मोहम्मद बिन अब्दुल्ला रहमान अल थानी फटाफट फड़ बताना है टाइम स्टार्ट है आप सभी का आसानी से बिल्कुल आंसर आप कर सकते हो आपके साथ डिटेल में डिस्कस किया था हमने ये क्वेश्चन ठीक है तो फटाफट आंसर करो बताओ क्या आंसर होने वाला है ठीक है चलो चलो करो आंसर करो फटाफट राइट आंसर डियर आ जाएगा ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट ठीक है सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट इकोनॉमिक अफेयर्स अजय सेठ जी हैं एंड अंडर सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मोहम्मद बिन अल हसन मोहम्मद बिन हसन अल मल्की ऑप्शन बी आपका राइट है ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन रक्षा मंत्रालय के किस विभाग ने स्पर्श सेवा केंद्रों के लिए बैंकों के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए ऑप्शन है? है आपके इंडियन आर्मी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन डिफेंस अकाउंट डिपार्टमेंट या फिर इंडियन एयरफोर्स फटाफट आंसर करो भाई विच डिपार्टमेंट ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस साइंड मेमोरेंडम एमओ यू विध बैंक फॉर दर्स सर्विस सेंटर डिटेल में डिस्कस हुआ था आपके साथ ये न्यूज बताए आंसर करेंगे भाई फटाफट आंसर करते चलना चलते हैं आंसर की तरफ डियर राइट आंसर निकल कर आ रहा है आपका डिफेंस अकाउंट डिपार्टमेंट डिफेंस अकाउंट डिपार्टमेंट ठीक है चलो नेक्स्ट इज कितने बैंकों ने इस पर सेवा केंद्र बनाने के लिए रक्षा लेखा विभाग के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए भाई हाउ मेनी बैंक साइंड एमओ यू विद डिफेंस अकाउंट डिपार्टमेंट टू बिकम स्पर्ट सर्विस सेंटर टू थ्री फोर फाइव बताएं टू थ्री फोर फाइव तो राइट आंसर right क्या निकल कर आने वाला है फटाफट आंसर करना है आपको राइट right आंसर है आपका फोर ऑप्शन सी आपका राइट right हो जाएगा फोर ठीक है फोर कौन कौन से हैं भाई बैंक ऑफ इंडिया है कैनरा बैंक है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है और उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक है सही है ना बिल्कुल बताओ चल चलते नेक्स्ट इज नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है वॉट डस जी एन एस एस स्टैंड फॉर जी एन एस 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 स्टैंड फॉर ऑप्शन आपके दिए हुए आंसर करना है आपको टाइम स्टार्ट है ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम जनरल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम या जियोग्राफिक नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम या ग्लोबल नेविगेशनल सिस्टम ऑफ सैटेलाइट्स। बता दो फटाफट आंसर कर दो क्या आंसर होने वाला है फटाफट फड़ से आंसर करना है आप सभी को ओके चलिए वेरी गुड बहुत अच्छे आप सभी के राइट आंसर बिल्कुल आ चुके हैं तो डियर राइट आंसर यहां पर क्या निकल कर आएगा तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज इस वर्ष खाद्य सुरक्षा दिवस कहां मनाया गया वेयर वॉज फूड वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे सेलिब्रेटेड दिस ईयर गवर्नमेंट मॉडल मिडिल स्कूल बैथियांग कारगिल फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट हेडक्वार्टर कारगिल या फिर लॉजिक हेडक्वार्टर कारगिल या फिर ड्रग एंड फूड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन कारगिल फटाफट आंसर करना है टाइम स्टार्ट है आप सभी का बताते चलो आंसर ठीक है चलो करो फटाफट करो चलेंगे आंसर की तरफ राइट right आंसर है आपका गवर्नमेंट मॉडल मिडिल स्कूल बेथियांग कारगिल ऑप्शन है आपका राइट हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन इज विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस समारोह में मुख्य अतिथि कौन थे भाई हु वॉज द चीफ गेस्ट एज द वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे सेलिब्रेशन नईम अहमद लोन जी हैं अहमद अली हैं, या फिर गुलजार अली हैं, या फिर नन ऑफ फटाफट बताएंगे टाइम स्टार्ट है आप सभी का आंसर करना शुरू करेंगे चलते हैं हम लोग आंसर की तरफ देखते हैं राइट आंसर क्या होने वाला है तो राइट आंसर यहां पर निकल कर आ रहा है नईम अहमद लोन ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा नईम अहमद लोन ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज वॉट वॉज एजी टी जॉन सिंह प्रोफेशन एजीटी जॉन सिंह का पेशा क्या था जोलॉजी लेक्चरर हैं या फिर वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर हैं या फिर फॉरेस्ट रेंजर हैं या फिर कंजर्वेशनिस्ट हैं ठीक है फटाफट आंसर करना है बताना है टाइम स्टार्ट है आप सभी का ये ऑबिजरी रही थी एक उसी से क्वेश्चन है आपका तो बताएं क्या आंसर होने वाला है राइट आंसर डियर यहां पर निकल कर आएगा आपका जोलॉजी लेक्चरर ऑप्शन है आपका राइट हो जाएगा जोलॉजी लेक्चरर ठीक है नेक्स्ट इज विच ऑर्गेनाइजेशन वॉज एनसिंग एसोसिएटेड एनसिंग के संगठन से जुड़े थे ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं एक एक करके आपको देखना है आंसर करना है भाई बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी कॉर्बेट फाउंडेशन एंड नेचुरल कंजर्वेशन फाउंडेशन या वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया ग्रीन पीस एंड वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड या फिर इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन सोसाइटी एंड कंजर्वेशन इंटरनेशनल या फिर इंडियन वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट वाइल्ड लाइफ एस ओ एस एंड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन सोसाइटी ऑफ इंडिया फटाफट बताओ क्या आंसर होने वाला है ठीक है करो करो फटाफट से आंसर करो चलते हैं आंसर की तरफ देखते हैं राइट आंसर क्या हो रहा है राइट आंसर निकल कर आ रहा है बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी कॉर्बेट फाउंडेशन एंड नेचुरल कंजर्वेशन फाउंडेशन ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा ठीक है चल नेक्स्ट इज नेक्स्ट इज स्टैटिक जीके के पार्ट पे देख लेते हैं दो ही क्वेश्चन है बहुत ज्यादा नहीं है बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन आ रहा है बताएं विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश इज रिलेटेड टू आनंद भवन उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला आनंद भवन से संबंधित है अमेठी चंदौली प्रयागराज या फिर संभल बताएं फटाफट आंसर करेंगे चलेंगे आंसर की तरफ राइट आंसर है आपका क्या प्रयागराज ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा प्रयागराज नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला मुगल घाट से संबंधित है डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश तो इसी के साथ हमने कंप्लीट किए हैं यह सबसे पहले ट्वेंटी फाइव क्वेश्चन का बंच था फिर आपका 26 सिक्स था फिर आपके टू क्वेश्चन इधर थे और यहां पर आपके कितने थे आ, फिफ्टी वन अलेवन अलेवन क्वेश्चन थे ठीक है तो ये आपके टोटल आपके कितने हो जाएंगे सिक्सटी फोर क्वेश्चन ठीक है चलिए इसी के साथ हम लोग चलते हैं फ्लैशबैक की तरफ देखते हैं आज का फ्लैशबैक पूरे वीक में क्या न्यूज रही थी फटाफट फड़ से तो चलो शुरू करते हैं आज के फ्लैशबैक को दैट इज फ्लैशबैक संडेर तो हम बात करें तो पहली न्यूज जीएसटी कलेक्शन से थी स प्रतिशत बढ़कर 1.73 लाख करोड़ का जीएसटी कलेक्शन किया गया नेक्स्ट न्यूज थी इंडिया जीडीपी ग्रो एट पॉइंट हम बात करें आरबीआई यूके के वॉल्ट से भारत में 100 टन सोना वापस ला रहा है आरबीआई ने चालू वित्त वर्ष में सात की वास्तविक जीडीपी वृद्धि का अनुमान लगाया नेक्स्ट इज इंडिया ने विश किया समोवा को सिक्सटी सेकेंड एनिवर्सरी मनाई है इंडिपेंडेंस डे स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं दी है समूहा को आ, एस जयशंकर साहब आपको दिख रहे हैं एक्सटर्नल एक्सटर्नलिस्टर सिक्सटी सेकेंड समोहा ने एनिवर्सरी मनाई है अपने इंडिपेंडेंस डे नेक्स तो ने, की नेक्स्ट हम चले रिया तो दुबई में कृष्णा कन्हहाई ने द गोल्डन कृष्णा प्रदर्शनी शुरू हुई दुबई में श्रीलंका में अंतरराष्ट्रीय योगा दिवस समारोह की शुरुआत देखने को मिली है भारत ने क्यूबा को मानवीय सहायता भेजी है 90 टन मेड इन इंडिया एक्टिव फार्मास्यूटिकल्स इंग्रेडिएंट शामिल है प्रगानंद ने नॉर्वे सतरंज 2024 में क्लासिकल इवेंट में पहली बार दुनिया के नंबर मुक्केबाजी में अमित पंघल ने पुरुषों के इक्यावन किलोग्राम वर्ग में पेरिस ओलंपिक कोटा हासिल किया नेक्स्ट इज नॉर्वे सतरंज आर प्रग्ञानंद ने विश्व के दूसरे नंबर खिलाड़ी फेवियाना को फैबियाना कारुआना को हराया विश्व रैंकिंग में दस में पहुंचे शर्मा ने बॉन इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब जीता है प्रधानमंत्री मोदी ने कैलकनार करुणानिधि को उनकी सौवीं जन्म जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की है नेक्स्ट हम चलेंगे रिया तो यूपीआई लेनदेन में नया रिकॉर्ड बनाया 14.04 बिलियन का शिखर सुझ हुआ है ये नंबर है ट्रांजेक्शन है कितने ट्रांजेक्शन हुए उसके मामले में अमाउंट हमने आपके साथ अभी क्वेश्चन के फॉर्म में डिस्कस किया था डियर यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस की बात करें रघुराम राजन जी की देन है टू में फाइनली निकल कर आया आप सभी को पता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस नेक्स्ट हम चले तो बिल्कुल ये देखिए टेबल भी दी हुई है फोर्टीन बिलियन इससे पहले डियर था लास्ट अप्रैल मंथ में थर्टीन बिलियन और इससे पहले मार्च मंथ में था थर्टीन बिलियन ठीक है सारा ये डेटा पॉइंट फिगर दिया हुआ है नेक्स्ट हम चले तो एनएचए ने देश भर में टोल टैक्स पांच परसेंट की बढ़ोतरी की है यह भी आपके साथ डिटेल में डिस्कस हुआ था आकाशवाणी आईसीसी टी ट्वेंटी क्रिकेट विश्व कप दो की लाइव कमेंट्री प्रसारित करेगा बेंगलुरु शहर में एक ही दिन में वन पॉइंट वन जीरो पॉइंट थ्री मिलीमीटर बारिश का एक सौ तैतीस साल पुराना रिकॉर्ड क्या हुआ है ब्रेक हुआ है और जो नया रिकॉर्ड बना है वो ट्रिपल वन वन मिलीमीटर का बन गया है नेक्स्ट हम चले तो क्लाउडिया सीन बाम मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में चुन ली गई हैं पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में निकलकर आई हैं ठीक है क्लाउडिया फ्लाउरियानबाम नेक्स्ट हम बात करें भारत और जापान ने आतंकवाद निरोध पर संयुक्त कार्य समूह की छठी बैठक आयोजित की है इंडिया और जापान की बात हो रही है नेक्स्ट हम चलेंगे फ्लैशबैक संडे बिल्कुल चल रहा है भारत ने लोकसभा चुनाव में सिक्सटी करोड़ मतदाताओं की भागीदारी के साथ विश्व रिकॉर्ड बनाया है फसाई ने सभी एफ को निर्देश जारी कर लेबल से हंड्रेड फ्लो फलों के रसों के किसी भी दावे को हटाने का आदेश दिया है इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम्स ने एग्रेशन इज़ चिल्ड्रेन एवरी ईयर ऑन फोर्थ ऑफ जून को मनाया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रेन विक्टिम्स ऑफ एग्रेशन जूपी कोलाबरेट जुपी ने कोलाबोरेट किया है गुरुग्राम साइबर पुलिस के साथ गुरुग्राम साइबर पुलिस फॉर साइबर सिक्योरिटी को लेकर अवेयरनेस के लिए मई तक प्रचलन में दो रुपए के बैंक नोटों का कुल मूल्य घटकर कर सात करोड़ रुपए रह गया है प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने डिजोल्व की सेवनटीन लोकसभा को डिजोल्व किया गया है कैबिनेट मीटिंग हुई है आफ्टरनून इज एडवाइस प्रेसिडेंशियल uh, लोकसभा इमीडिएट इफेक्ट द्रौपदी मुर्मू जी ने राष्ट्रपति भवन में निर्वातमान मंत्रिमंडल के विदाई रात्रि भोज का आयोजन किया जो कि एक प्रोटोकॉल होता है फाइनली उसको फॉलो किया गया है नेक्स्ट हम बात करें दूरसंचार विभाग ने डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकोम्युनिकेशन ने उद्योग जीरो परिवर्तन में स्टार्टअप के साथ एमएसएमई के साथ समर्थन की पहल शुरू की है मिट्टी ने कोलाबोरेट किया है यूनेस्को हो के साथ नेशनल वर्कशिप वर्कशॉप ऑन सेफ ट्रस्टेड इथिकल ए आई वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे फिफ्थ ऑफ जून को मनाया गया वर्ल्ड ऑफ फिफ्थ ऑफ जून जीपीसी गुजरात पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने टू इनिशियटिव लॉन्च किए वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे के मौके पर क्या लॉन्च किए हैं आपके साथ डिटेल में डिस्कस किए थे वर्ल्ड इनवायरमेंट डे ऑब्जर्व इन नेपाल अंडर स्लोगन अवर लैंड इज अवर फ्यूचर आई बॉम्बे रैंक फर्स्ट इंडियन इंस्टीट्यूट इन क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में एक सौ रैंक पर आ गया है इस बार लास्ट ईयर वन रैंक थी इंडिया में फर्स्ट नंबर पर है नेक्स्ट चले तो इलेक्शन कमीशन ने पे किया महात्मा गांधी जी एट राजघाट पहुंचे हैं और वहां पर श्रद्धांजलि अर्पित की है क्योंकि हमारा जो इलेक्शन है वो फाइनली फ्री रहा पोल्स टू द फादर ऑफ द नेशन नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड जी प्रधानमंत्री मोदी जी के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने आ रहे हैं भारत और कतर ने नई दिल्ली में निवेश पर संयुक्त कार्यबल की पहली बैठक आयोजित की है वर्ल्ड बाइस्किल डे मनाया गया सेलिब्रेट किया गया थर्ड ऑफ जून को पूर्वी सिक्किम के चांगोगु में प्लास्टिक प्रबंधन और पुनर्चक्रण संयंत्र का उद्घाटन किया गया अल्पसंख्यक समुदाय की हेलेन मैरी रॉबर्ट्स पाकिस्तान सेना में पहली महिला ब्रिगेडियर बनी है स्टैंडर्ड एंड पुअर्स ग्लोबल रेटिंग अर्थव्यवस्था पर भारत के दृष्टिकोण को स्थिर से सकारात्मक संशोधित किया है।, है ना पॉजिटिव टू फ्रॉम स्टेबल स्टेबल से पॉजिटिव किया गया। अच्छा मंत्रालय ने चार बैंकों के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए ताकि उन्हें सेवा केंद्र के रूप में शामिल किया जा सके सरकार, सरकार बनाने का दावा पेश किया कहा गठबंधन मजबूत स्थिर विकासोन्नमक सरकार बनाएगा ने ने इनवाइट किया है ग्लोबल एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम कंपनीज टू डेवलप एंड इंप्लीमेंट जीएनएसएस बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन सिस्टम वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे को मनाया गया सेलिब्रेट एट गवर्नमेंट मॉडल मिडिल स्कूल बैथियांग इन कारगिल कारगिल के सरकारी मॉडल स्कूल विभाग बैथांग में विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया गया नेक्स्ट एस चंद्रबाबू नायडू 12 जून को आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के पद की शपथ लेंगे ट्वेल्थ ऑफ जून को संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटरस ने म्यामा के बढ़ते संघर्ष पर गहरी चिंता व्यक्त की है प्रख्यात वन्यजीव जीव, जीव, जीव विज्ञानी एजीटी जॉनसिंग का बेंगलुरु में क्या हो चुका है निधन हो चुका है डियर ये ऑबर्चुनिटी बहुत इंपॉर्टेंट रहती है किस फील्ड में है किस फील्ड से बिलोंग करते हैं क्या है बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट रहता है ठीक तो वायल है तो चलिए एमिनेंट वाइल्ड लाइफ बायोलॉजिस्ट रहे हैं एजीटी जॉनसिंग पास अवे इन बेंगलुरु तो ये था हमारा फ्लैशबैक अब हम चलते हैं फटाफट से आपके वीकली क्वेश्चन की तरफ डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन जो रहता है इसका क्वेश्चन का आंसर लिखने की कोशिश आप करेंगे है ना तो बिल्कुल कोशिश करिएगा इससे पहले भी हम आपको कलेक्शन दे रहे हैं क्वेश्चंस का डिस्क्रिप्टिव के तो उनको बिल्कुल प्रिपेयर करते चलिए चलिए देखते हैं आज का जो क्वेश्चन होने वाला है डिस्क्रिप्टिव वो क्या रहने वाला है तो वो क्वेश्चन कुछ इस तरह से है या डिस्क्राइप द रीजन बिहाइंड द ऑकरेंस ऑफ नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स इन बैंक हाउ डू दीज रीजन वेरी बिटवीन डिफरेंस टाइप ऑफ लोन बैंकों में गैर निष्पादित आस्तियों की घटना के पीछे के कारणों का वर्णन करें विभिन्न प्रकार के ऋणों के बीच ये कारण कैसे भिन्न होते हैं तो इस क्वेश्चन के आंसर को लिखने की कोशिश आपको करनी है और ये मेन कमेंट बॉक्स में आपको आंसर इसका देना है आप ये क्वेश्चन का आंसर लैप टॉप से या अपने सिस्टम से ऐड करके दीजिएगा मोबाइल से आपको टाइप करने में परेशानी का सामना करना पड़ेगा तो तो जब भी इसका आंसर करिएगा कमेंट बॉक्स में बिल्कुल तो आप टाइप करके करिएगा ठीक है क्योंकि इसी तरह से एग्जाम में जो डिस्क्रिप्टिव आते हैं एग्जाम में जहां पे वहां पे आपको सीधे ऑनलाइन पे ही टाइप करना होता है अपना आंसर ठीक है चलिए इसके साथ ही जितने मार्क्स आपने गेन किए एरिया वो जरूर आप बताना मेन कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर आप बताना कितने मार्क्स आपने गेन किए हैं हम लोग बिल्कुल सेशन में उनको डिस्कस करेंगे आपके साथ ठीक है ट्यूजडे के सेशन में हम आपके मार्क्स को बिल्कुल रखेंगे और डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन को भी रखेंगे आपके पास पूरा पूरा दो दिन का टाइम है आज का कल का आसानी से आप अपने मार्क्स बता सकते हो कितने मार्क्स आपने 64 क्वेश्चन में गेन किए हैं ठीक है और डिस्क्रिप्टिव को अभी आंसर जरूर करना पीडीएफ के लिए क्या करना है पीडीएफ के लिए आपको फटाफट से क्या करना है भाई या तो टेलीग्राम पे आप एड है तो वहां पर भी पीडीएफ आपको मिल जाएगी आयुष अग्नि सर्च करेंगे मिल जाएगी आपको है ना या फिर फिर रेट ई एम थिंग टाइप करेंगे पहुंच जाएंगे आप पीडीएफ के लिए यहां से भी आप ले सकते हैं टाइटल नीचे डिस्क्रिप्शन दिया है मोर करेंगे एंड अगेन मोर करेंगे इसके साथ ही मोर करेंगे तो डिस्क्रिप्शन ओपन तो होगा तो डाउनलोड पीडीएफ के आगे लिंक लगा होगा अगर नहीं लगाए तो थोड़ा सा वेट कर ले जैसे ही हमारी टेक्निकल टीम ऐड करेगी आपको मिल जाएगा नए पेज पे पहुंचेंगे लिंक पे क्लिक करेंगे यहाँ पे देखेंगे डेट मेंशन होगी जाएंगे टाइटल मिल जाएगा टाइटल पे टच करेंगे पीडीएफ डाउनलोड होना शुरू हो जाएगी ऊपर से स्क्रॉल करके देखेंगे पीडीएफ आपको मिल जाएगी ठीक है चलिए तो ये था हमारा आज का सेशन आई होप आप सभी ने बहुत अच्छे से इंजॉय किया होगा अगर इंजॉय किया है तो लाइक करें अपने दोस्तों फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करें अगर नहीं किया है सब्सक्राइब तो सब्सक्राइब कर ले मिलते हैं कल फिर मॉर्निंग में शेवन एम ठीक है मार्क्स जरूर बताइएगा चलिए मिलते हैं थैंक यू एवरी वन गुड बाय टेक केयर जय हिंद सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल नेवर मिस एन अपडेट